कभी ऐसी भाषा का ना मैंने समर्थन किया था ना मैं भविष्य में मैं कभी करूंगा। पर हाँ, ये जिम्मेदारी उन युवा नेताओं को खास तौर पर अपने कंधों पर लेनी होगी जिनको एक बड़ी आबादी अपना आदर्श मानती है। अगर वो प्रेसिडेंट सेट नहीं करेंगे, अगर वो ऐसी गिरती शब्दों की मर्यादा के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनकी कहीं ना कहीं ये मौन सहमति दर्ज की जाएगी जो भविष्य के लिए युवाओं के लिए खतरनाक है। सबसे पहले उन्हें सत्तू अपने उन कार्यकर्ताओं को खिलाना चाहिए जो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों को ठंडा अपने दिमाग रखने की जरूरत है जो दूसरों की बहन बेटी माँ के बारे में और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो लोगों को गर्मी में सब्जी बनाकर दिमाग ठंडा करते हैं।